तो ये है मेरे पास कुछ बजट प्राइस में आने वाले बेस्ट वायरलेस गेम पैड कंट्रोलर्स, जिन्हें आप Amazon से परचेज कर सकते हो। और इन तीनों ही वायरलेस गेम पैड्स के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फुल कंपैरिजन करेंगे इन तीनों ही बेस्ट वायरलेस गेम पैड का। और साथ ही साथ आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए इन तीनों में से कौन सा वायरलेस गेम पैड ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड की। तो यह है रेड गियर की तरफ से आने वाला रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड कंट्रोलर। और इस गेम पैड को अभी यूज़ करते हुए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। इस गेम पैड पर आपको ओवरऑल काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा ये गेम पैड आता है इस काफ़ी बढ़िया से रेड और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में। आप इस गेम पैड को अमेज़ोन से 1500 रुपये की प्राइस में परचेज कर सकते हो। और ये गेम पैड अमेज़ोन पर सिर्फ इस रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में ही अवेलेबल है। गेम पैड को ऑन करने के लिए आपको सिंपली इस होम बटन पर टैप करना है। और नीचे की तरफ आपको 4 LED लाइट्स भी देखने को मिल जाएगी, जो कि इस गेम पैड का कनेक्टिविटी स्टेटस और बैटरी स्टेटस आपको बताएगी। इस गेम पैड पर आपको सबसे बड़ा एडवांटेज जो देखने को मिलता है वो है इसकी साइड में रबराइज ग्रिप्स, जिसके कारण आपको इस गेम पैड पर काफ़ी बढ़िया ग्रिपिंग मिल जाती है। और उसके अलावा गेम पैड ऑन होने पर आपको इन 4 बटन्स पर बैक लाइट भी देखने को मिल जाती है, जिसके कारण आपको इस गेम पैड पर थोड़ी प्रोफेशनल टाइप की फील मिलती है। गेम पैड में ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है एक माइक्रो USB पोर्ट, जहां पर आप इस गेम पैड पर अपनी कोई भी माइक्रो USB केबल को लगाकर इस गेम पैड को चार्ज कर सकते हो। ये गेम पैड लगभग 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और एक बार फुल चार्ज होने पर आप इस गेम पैड से 10 घंटे की कंटिन्यूसली गेमिंग कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले बेस्ट वायरलेस गेम पैड की तरफ, जो कि फिर से आता है रेड गियर की ही तरफ से। और यह है रेड गियर फ्लैश एक्स वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर। यहाँ पर इस गेम पैड को भी ऑन करने के लिए आपको सिंपली इसके होम बटन पर प्रेस करना है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि गेम पैड ऑन होने पर आपको कुछ बटन्स पर बैकलाइट देखने को मिल जाती है। और ये तो मैं इस गेम पैड को अपने रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड के साथ में कंपेयर करूँ, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर रेड गियर फ्लैश एक्स में लुक्स जो है वो गेम पैड के काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। लेकिन यार इसकी क्वालिटी आपको रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड जितनी बढ़िया नहीं मिलती। स्पेशली इसके जॉयस्टिक की क्वालिटी हमारे बाकी दोनों वायरलेस गेम पैड के कंपैरिजन में थोड़ी लो है। हालांकि ये गेम पैड रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड से थोड़ा लाइट वेट है। और वैसे साइड में हमें यहाँ पर रबराइज ग्रिपिंग भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन मेरे हिसाब से गेम पैड का जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो ऐसे में आपको गेम पैड पर ग्रिपिंग काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको गेम पैड को चार्ज करने के लिए एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है। और ये गेम पैड भी लगभग 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और 1 घंटे की चार्जिंग के बाद आपको यहाँ पर भी 10 घंटे का कंटिन्यूसली गेमिंग बैकअप मिल जाता है। इस गेम पैड पर आपको कुछ इस तरह के ब्रॉड से ट्रिगर्स देखने को मिल जाते हैं। और ये तो मैं इसे कंपेयर करूँ अपने रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड के ट्रिगर के साथ में, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ट्रिगर्स जो है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस इस गेम पैड पर मिल जाएगा। तो हमारा अगला बेस्ट वायरलेस गेम पैड जिसके बारे में अब मैं बात करूंगा वो है ये लाइफटेक की तरफ से आने वाला वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर। गेम पैड को ऑन करने के लिए आपको 3 सेकंड तक होम बटन को प्रेस करना है। और गेम पैड ऑन होने के बाद आपको इन 4 बटन्स पर लाइट भी देखने को मिल जाएगी। आप इस गेम पैड को अमेज़ॉन से 1300 रुपये की प्राइस में परचेज कर सकते हो। और अमेज़ॉन पर ये ब्लू और रेड कलर में अवेलेबल है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर भी गेम पैड को चार्ज करने के लिए एक माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ सामने की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा एक काफ़ी बढ़िया सा मोबाइल होल्डर, जो कि आपको रेड गियर के वायरलेस गेम पैड्स में देखने को नहीं मिलता। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये गेम पैड स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मोबाइल फ़ोन के साथ में गेमिंग करने को। वैसे आप इस गेम पैड को अपने स्मार्ट एंड्रॉयड TV या फिर अपने स्मार्ट एंड्रॉयड TV बॉक्स के साथ में भी इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ये गेम पैड ब्लूटूथ के थ्रू डायरेक्टली आपके स्मार्ट एंड्रॉयड TV और मोबाइल फ़ोन के साथ में कनेक्ट होता है। और इस गेम पैड को अपने TV या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको रेड गियर वायरलेस गेम पैड की तरह ये वायरलेस USB रिसीवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा इस लाइफटेक वायरलेस गेम पैड पर भी आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। ये गेम पैड भी लगभग 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और 1 घंटे की चार्जिंग के बाद आप इस गेम पैड से भी 10 घंटे की कंटिन्यूसली गेमिंग कर सकते हो। तो चलिए अब हम जल्दी से पहले तो इन गेम पैड्स को अपने स्मार्ट एंड्रॉयड TV के साथ में कनेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम इन सभी गेम पैड्स को अपने कंप्यूटर के साथ में भी टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने रेड गियर फ्लैश एक्स वायरलेस गेम पैड को अपने मी बॉक्स के साथ में कनेक्ट करेंगे। और इसे अपने मी बॉक्स या फिर अपने स्मार्ट एंड्रॉयड TV के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इसके साथ में आए हुए इस वायरलेस रिसीवर को अपने मी बॉक्स के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको एक बार इस होम बटन पर जो है वो टैप करना है, और आपका गेम पैड इंस्टेंटली आपके मी बॉक्स या फिर स्मार्ट एंड्रॉयड TV के साथ में कनेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए मैं जल्दी से इस गेम पैड के थ्रू आपको एक गेम को प्ले करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर प्ले करेंगे एस्फोर्टेट गेम को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे ये रेड गियर फ्लैश एक्स वायरलेस गेम पैड हमारे मी बॉक्स के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि गेम पैड ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। हालांकि इसके बटन जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, लेकिन यार जो इसके कीज की क्वालिटी है ना, स्पेशली इसके जॉयस्टिक की क्वालिटी रेड गियर प्रो वायरलेस के कंपैरिजन में इतनी बढ़िया नहीं है। वैसे ओवरऑल इस गेम पैड पर आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाता है और इस गेम पैड की वायरलेस रेंज भी काफ़ी बढ़िया है। इस गेम पैड को मैंने अपने विंडोज़ 10 कंप्यूटर के साथ में भी कनेक्ट किया था। वैसे आप इस गेम पैड को अपने किसी भी विंडोज़ कंप्यूटर के साथ में पेयर कर सकते हो। और जिस तरह से इस गेम पैड ने हमारे टीवी पर काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। वैसे आप इस गेम पैड को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से एक OTG केबल खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि इस गेम पैड को कनेक्ट करने के लिए आपको इसके USB रिसीवर को कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम अपने लाइफटेक वायरलेस गेम पैड को भी अपने मी बॉक्स के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। और इसे अपने मी बॉक्स या फिर अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के साथ में पेयर करने के लिए आपको सिंपली प्रेस करनी है X की और एंड्रॉयड की एक साथ में। आपका गेम पैड अब पेयरिंग मोड पर चला जाएगा और उसके बाद हमें जाना है अपने टीवी की ब्लूटूथ सेटिंग में, और यहाँ से आपको इस गेम पैड को अपने टीवी के साथ में पेयर कर लेना है। गेम पैड की सक्सेसफुल पेयरिंग के बाद गेम पैड पर जो लाइट है वो स्टेबल हो जाएगी। तो चलिए अब मैं इस लाइफटेक गेम पैड से भी आपको जल्दी से एक गेम को प्ले करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर फिर से प्ले करेंगे एस्फोर्टेट गेम को। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, हमारे ये लाइफटेक वायरलेस गेम पैड भी हमारा मी बॉक्स के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। बटन्स भी यहां पर काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। गेम पैड पर आपको फीलिंग भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये गेम पैड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और ऊपर से इस गेम पैड पर आपको कीज़ की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो ऐसे में इस गेम पैड पर आपको काफ़ी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वैसे मैंने इस गेम पैड को अपने PC के साथ में भी कनेक्ट करने की कोशिश की थी। ये गेम पैड कंप्यूटर के साथ में पेयर तो यार हो जाता है, लेकिन यार ये PC के साथ में वर्क नहीं करता। और उसके अलावा ये गेम पैड आता है इस काफ़ी बढ़िया से मोबाइल होल्डर के साथ में, और ये आपके मोबाइल फ़ोन के साथ में काफ़ी इजीली पेयर हो जाता है। तो चलिए अब हम आखिरी में अपने रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड को भी मी बॉक्स के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। और इसे अपने मी बॉक्स या फिर अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इसके साथ में आए हुए इस USB रिसीवर को अपने मी बॉक्स के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको गेम पैड को मी बॉक्स के साथ में पेयर करने के लिए सिंपली इसके होम बटन पर प्रेस करना है और आपका गेम पैड इंस्टेंटली आपके मी बॉक्स के साथ में पेयर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं जल्दी से इस रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड से भी आपको एक गेम को प्ले करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर प्ले करेंगे एस्फोर्टेट गेम को। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, हमारे ये रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड भी मी बॉक्स के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। बटन्स भी यहां पर काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं और गेम पैड में साइड में रबराइज ग्रिप होने के कारण आपको इस गेम पैड पर ग्रिपिंग भी सबसे बढ़िया मिल जाती है। इस गेम पैड को मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है और कई बार ये गेम पैड मुझसे गिरा भी है, लेकिन अभी भी ये गेम पैड काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो डेफिनेटली आपको इस गेम पैड पर काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी भी मिलती है। वैसे मैंने इस गेम पैड को अपने कंप्यूटर के साथ में भी कनेक्ट किया था। आप इस गेम पैड को अपने किसी भी विंडोज़ कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। तो जिस तरह से इस गेम पैड ने हमारे मी बॉक्स के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स किया था, सेम उसी तरह से ये गेम पैड हमारे PC के साथ में भी काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आपको इन तीनों ही वायरलेस गेम पैड्स पर लगभग एक ही जैसी वायरलेस रेंज और एक ही जैसी बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है, लेकिन आखिरी में मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये तो आप एक ऐसा वायरलेस गेम पैड ढूंढ रहे हो जिसे आप अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी और PC के साथ में भी कनेक्ट कर सको, तो फिर तो आपको जाना चाहिए रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड की तरफ।
और यहाँ पर रेड गियर फ्लैश एक्स वायरलेस गेम पैड को मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेड गियर फ्लैश एक्स वायरलेस गेम पैड पर बटन की क्वालिटी आपको इतनी बढ़िया नहीं मिलती, स्पेशली इसकी जॉयस्टिक के जो बटन है वो इतने बढ़िया नहीं है। और उसके अलावा यही तो आप एक ऐसा गेम पैड ढूंढ रहे हो जिसे आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में कनेक्ट कर सको, तो फिर तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए लाइवटेक वायरलेस गेम पैड की तरफ। हमारा ये लाइवटेक वायरलेस गेम पैड पीसी पर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी और मोबाइल्स के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।